हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है जी। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने कल की जो लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हमने तीन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात की। और वो जो तीन एक्सपेरिमेंट हमने बात की थी, उन तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद में हमारे माइंड में एक चीज क्लियर हो गई थी, और वो ये थी कि जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में जो मटेरियल काम में आता है वो डीएनए होता है। पहले जैसे हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उससे हमको ये आइडिया लगा था कि कोई मटेरियल है वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। फिर दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से हमको ये आइडिया लग गया था कि डीएनए वो जो है वो ट्रांसफर होता है। लेकिन उसका अनइक्विवोकल प्रूफ जो हमको मिला था वो मिला था हर्से एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से, जहां रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम करने वाला है। तो ये तो हमको डिसाइड हो गया था। लेकिन उसके बाद में आज की जो क्लास है उसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेटा जी कि डीएनए है वो अगर जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम आता है तो उस जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यानी जो भी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में यूज होगा उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए टॉपिक जो स्टार्ट करें, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो भी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में यूज होगा वो केमिकल फॉर्म में या कह दो स्ट्रक्चरल फॉर्म में स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या जाएगा, it should be chemically and structurally, ठीक है, and structural stable। कि जो भी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में यूज होगा वो केमिकल फॉर्म में भी स्टेबल होना चाहिए और स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है उसमें भी वो स्टेबल होना चाहिए। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और आपको बताएं डीएनए जो होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, केमिकली ज्यादा स्टेबल होता है वो। क्यों? क्योंकि उसमें सेकंड नंबर कार्बन से OH ग्रुप जो है उसकी जगह सिर्फ H ग्रुप होता है, ऑक्सीजन हट गई थी। याद कीजिए जब मैंने आपको शुगर पढ़ाया था उस टाइम बताया था ये कॉन्सेप्ट। तो ये पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो जो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम करेगा वो अपनी कॉपी खुद बनाए, यानी अपना रेप्लिकेशन कर सके या अपनी रेप्लिका बना सके या अपनी कॉपी खुद बना सके। जैसे डीएनए से डीएनए बन जाता है तो रेप्लिका का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता बेटा। इसका मतलब है सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, it should be able to generate replica, यानी अपनी कॉपी खुद बना सके वो। ये उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा क्या कि जो भी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम आएगा, जो भी मटेरियल है अगर वो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम आता है तो उसमें म्यूटेशन होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, म्यूटेशन तो होना चाहिए लेकिन म्यूटेशन स्लो होना चाहिए। अब आप कह दो सर म्यूटेशन तो आरएनए में भी होता है, बिल्कुल होता है। आप कह दो सर डीएनए में भी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आरएनए में म्यूटेशन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और डीएनए में म्यूटेशन की रेट जो होती है वो स्लो होती है, और म्यूटेशन जितना स्लो होता है वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये लीजिए स्लो म्यूटेशन प्रेजेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगी इसकी। तो स्लो म्यूटेशन प्रेजेंट होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी है। और क्या होना चाहिए कि भाई जो भी जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम करेगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब उसके करेक्टर्स जो है वो कैसे आएंगे। तो अपने आप को मेंडेलियन करेक्टर के अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेस करे। जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट हमने जब पढ़े थे तो उसमें कहा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो है जब उन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में सेल्फिंग करवाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी ये बनता है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होना चाहिए बेटा, एक्सप्रेस करना चाहिए हमेशा
मेंडेलियन करेक्टर के अकॉर्डिंग, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट शुड बी एक्सप्रेस किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेंडेलियन रूल्स के अकॉर्डिंग, या कह दो मेंडेलियन करेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसको क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। तो इट शुड बी एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर, इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर्स के बेसिस पर जो है यहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी जिस भी मटेरियल में होगी वही मटेरियल जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम करेगा। और ये चारों प्रॉपर्टी किस में प्रेजेंट होती है बेटा, डीएनए में प्रेजेंट होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो यहां लिख दें कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ये कहा गया। डीएनए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में क्यों हुआ बेटा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में इसलिए फंक्शन करता है क्योंकि डीएनए में ये चारों के चारों करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए केमिकल फॉर्म में और स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या होगा, स्टेबल होगा। डीएनए अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, यानी रेप्लिका बना सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है, ये करेक्टर हुआ। डीएनए स्लो म्यूटेशन प्रेजेंट होगा और डीएनए अपने आप को मेंडेलियन करेक्टर्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट भी करता है। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करता है। अब हम कहें कि डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो यहां लिख दूं, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ठीक है सर, आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, क्यों है, तो उसका कारण क्या होगा बताओ। तो पहला आ जाएगा ड्यू टू डीऑक्सीराइबो शुगर। याद कीजिए शुगर पढ़ाया था, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट है। और डीऑक्सीराइबो शुगर जो होती है वो केमिकली लेस एक्टिव होती है, याद होगा आप लोगों को जब शुगर पढ़ाया उस टाइम कहा था मैंने कि शुगर जो होती है डीऑक्सीराइबो शुगर जो है वो केमिकली लेस एक्टिव, और जो जितना केमिकली लेस एक्टिव होता है वो स्ट्रक्चरली फॉर्म में उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये एक रीजन था। और रीजन क्या होता है, तो एक रीजन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थायामिन। और थायामिन जो होता है बेटा, इसका नाम क्या होता है, 5-methyl uracil, ये नाम होता है जिसका। अब 5-methyl uracil है, तो यूरेसिल में और थायमिन में फर्क क्या है, यूरेसिल और थायमिन में फर्क यही है कि जो यूरेसिल होता है ना उसके कंपैरिजन में थायमिन में एक मिथाइल ग्रुप ज्यादा होता है। और बेटा ये ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी में भी आपका ये आपके कॉन्सेप्ट आता है कि जहां डीएनए में मिथाइलेशन ज्यादा होता है, जितना ज्यादा मिथाइलेशन होगा यानी मिथाइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे डीएनए उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर थायमिन का प्रेजेंट होना भी डीएनए के स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा डीऑक्सीराइबोस शुगर की वजह से। दो कारण तो ये है, और एक कारण हम क्या ले सकते हैं कि डीएनए में स्लो म्यूटेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्लो म्यूटेशन प्रेजेंट इन डीएनए देन आरएनए। ठीक है, डीएनए में स्लो म्यूटेशन होगा किसके कंपैरिजन में, आरएनए के कंपैरिजन में। तो इसीलिए डीएनए जो है इसको हम जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या। पहले हमने क्या बात की कि कोई भी मटेरियल अगर जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम करता तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ये चारों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने क्या डिसाइड किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए जो इन दोनों में कंपैरिजन किया तो डीएनए ज्यादा स्टेबल मिला। क्यों, क्योंकि डीएनए में एक तो डीऑक्सीराइबो शुगर है,
इस वजह से ज्यादा स्टेबल है, और दूसरा उसमें थायमिन होता है यूरेसिल के जगह, और थायमिन में एक मिथाइल ग्रुप ज्यादा होता है, और जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, मिथाइलेशन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है बेटा जी, ठीक। और डीएनए में म्यूटेशन जो होता है वो स्लो होता है आरएनए के कंपैरिजन में, वो भी डीएनए के जेनेटिक मटेरियल होने का एक प्रूफ है या कारण है। तो ये तो हमारी बात हुई पहला प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद में हमारी एनसीईआरटी जो है इसने एक टॉपिक और बनाया। एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरएनए वर्ल्ड। अब ये टॉपिक जब हम पढ़ें, आरएनए वर्ल्ड का टॉपिक जब हम पढ़ें, तो ये है क्या एक्चुअल में? तो आरएनए वर्ल्ड का जो टॉपिक है वो हमको ये बताना चाह रहा है कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, बात ठीक भी है बिल्कुल, डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, लेकिन आरएनए वर्ल्ड हमको ये बताएगा, ये सिखाएगा, ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि इस नेचर में पहला जेनेटिक मटेरियल जो बना था वो डीएनए नहीं था। पहला जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं बना था, पहला सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल बना था वो था आपके आरएनए। ये हमको किससे पता चलेगा? आरएनए वर्ल्ड से पता चलता है। तो यहां हम क्या लिखें, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ? सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कि आरएनए इज ए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्या लिखें? आरएनए इज ए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो आरएनए था जी। आज के टाइम पे है या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले नेचर में जो बना था वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। अब सर इसको हम मान कैसे लें कि आरएनए था? तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, हमारी बॉडी में ट्रांसलेशन है, हमारी बॉडी में स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जानते हो, डीएनए में से इंट्रोन को हटाना, और इंट्रोन का मतलब होता है नॉन इन्फॉर्मेटिव पार्ट, यानी जो काम का पार्ट नहीं है। तो डीएनए या आरएनए में से बिना काम के पार्ट जो होते हैं, बिना इंफॉर्मेशन वाला पार्ट जो होता है, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं अपने स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, वो सारी की सारी प्रोसेस आरएनए के आसपास ही इवॉल्व हुई है, आरएनए पे ही डिपेंडेंट है वो प्रोसेस, आरएनए के आसपास इवॉल्व हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है। तो यहां इसका कारण अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बिकॉज मेनी प्रोसेसेज इवॉल्व अराउंड आरएनए, ठीक है। तो यहां लिख दें बिकॉज मेनी प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनाना, एंड स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग होता है क्या? इंट्रोन्स को हटा देना। तो मेनी प्रोसेसेस लाइक मेटाबॉलिज्म ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग आर इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। ये सारी की सारी प्रोसेसेस आरएनए के चारों तरफ ही, या कह दो आरएनए के नियर बाय, आरएनए के आसपास ही इवॉल्व हुई है, या कह दो आरएनए पे डिपेंडेंट है ये सारी प्रोसेसेस, इसलिए हम कहते हैं पहला जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए था, ठीक है सर। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अब कहानी सुनना, आप देखो आरएनए की बेचारे की दुख भरी कहानी है। अब देखो क्या नेचर ने सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल किसको बनाया? आरएनए को बनाया, ठीक है। पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, ठीक है। आज की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम पर थोड़े दिनों के बाद में जैसे डीएनए बना, तो डीएनए को क्या बना दिया? जेनेटिक मटेरियल बना दिया, ठीक है। पहले कौन आया? पहले आया आरएनए, लेकिन अब आज के टाइम पर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। तो बताओ आरएनए का नाराज होना बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ। अरे आरएनए का नाराज होना बनता है ना यार, जो पहले आया था वो जेनेटिक मटेरियल पहले आरएनए आया था, और पता चला आरएनए की जगह किसने ले ली? डीएनए। तो आरएनए तो नाराज होना वाजिब है इसका, तो बिल्कुल, और होना भी चाहिए भाई, जो पहले आया उसको पहले मिलना चाहिए और वही रहना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डीएनए को बना दिया, तो अब आरएनए हो गया नाराज।
आर्यन नाराज होना ही था। तो आर्यन नाराज हो गया कि यार तुमने तो ये मेरे साथ में धोखा कर दिया कि भाई पहले तो जेनेटिक मटेरियल में था, मेरी जगह तुम डीएनए को ले आए, तो ये तो तुमने गलत किया। ये गलत किया, आर्यन हो गया नाराज। अब हमारी सेल क्या करेगी, हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी ने कहा कि भाई आर्यन जो है उसको समझाया कि देख बात ऐसी है कि तुम पहले आए तो तुम हुए सीनियर, अब तुम सीनियर हो गए तो हमने ये सोचा है कि आप एक काम नहीं, आप बहुत सारे काम करो, आप सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम नहीं करें, आप हम ये चाहते हैं कि आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को संभालो, आप इतने सीनियर हो गए हो कि आप बहुत सारे डिपार्टमेंट संभाल सकते हो, और डीएनए बेचारा नया नया है, डीएनए नया नया है इसलिए उसको एक ही डिपार्टमेंट दे देते हैं, उसको राजी रखते हैं जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करता रहे तू, और आप अलग अलग डिपार्टमेंट देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट कौन कौन से, तो आरएनए को पहला डिपार्टमेंट दिया गया। क्या जी? तो देखो आरएनए फंक्शन, आरएनए फंक्शंस कौन कौन से फंक्शंस हैं आरएनए के? तो सबसे पहला आरएनए किसके फॉर्म में काम करता है? एज ए स्ट्रक्चरल फंक्शन। ये लो जी, एज ए स्ट्रक्चरल फंक्शन, यानी आरएनए स्ट्रक्चर्स बनाने का फंक्शन भी करेगा। ये एक डिपार्टमेंट हो गया आरएनए का। ठीक है, समझ में आई कहानी? आरएनए को इतने सारे फंक्शंस क्यों दिए गए? क्योंकि सीनियर हो चुका है, इसलिए कहा कि राज्य रखने के लिए कि तुम बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दो, तो इसको कहा तुम कुछ स्ट्रक्चर बना लो अपने हिसाब से। तो आरएनए ने कुछ स्ट्रक्चर बना दी। जैसे कौन सा आरएनए स्ट्रक्चर बनाता है बेटा? तो स्ट्रक्चर बनाने वाला आरएनए होता है आरआरएनए। कौन सा होता है? आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। सर किसकी स्ट्रक्चर बनाता है? तो आरआरएनए राइबोसोम बनाता है, पता हो आपको। तो राइबोसोम किससे मिलकर बनता है? आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर तो बनता है। तो आरआरएनए क्या करेगा? स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन। और आरआरएनए जो होता है बेटा, ये होता है अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए। हमारी बॉडी में जितना आरएनए होता है ना, उसका 80% तो आरआरएनए ही होता है। क्लियर हुआ पहला? तो आरएनए स्ट्रक्चरल फंक्शन कर सकता है, एक चीज। दूसरा, आरएनए जो है ये दूसरा फंक्शन करेगा एज ए मैसेंजर। ये लीजिए, मैसेंजर यानी मैसेज को ट्रांसफर करने का फंक्शन भी आरएनए कर सकता है। और मैसेंजर का फंक्शन आपको पता है कौन करेगा? वो करेगा एमआरएनए। तो एमआरएनए मैसेंजर का काम भी कर रहा है। कितना? तो हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली ये 5% होता है। तो 5% ऑफ टोटल आरएनए, सेल के अंदर जितना आरएनए है उसका 5% यही होता है। और एमआरएनए को ही कहा जाता है ये लॉन्गेस्ट आरएनए भी होता है। हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट आरएनए भी एमआरएनए ही है। क्लियर हुआ? दो फंक्शन कर लिए। तो देखो मैंने कहा था ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भेज देंगे इसको, क्योंकि सीनियर है, एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए बहुत सारे काम कर सकता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन कर सकता है, मैसेंजर का फंक्शन कर सकता है। और तीसरा फंक्शन, तो तीसरा फंक्शन आ जाएगा एज ए एडेप्टर। एडेप्टर, एज ए एडेप्टर फंक्शन करेगा ये। अब एडेप्टर क्या होता है बेटा? जैसे आप कहते हो कि आपके मोबाइल का जो चार्जर है उसका एडेप्टर होता है और एक आपके उसकी लीड होती है। एडेप्टर का काम क्या होता है? एडेप्टर का काम होता है जहां पर लीड को लगाया जाता है, यानी जिसके ऊपर कोई मटेरियल जोड़ा जाए, जिसके ऊपर कोई मटेरियल फ्यूज किया जाए, जिसके ऊपर कोई मटेरियल को ऐड किया जाए, उसको एडेप्टर कहते हैं अपन। तो आरएनए अपने ऊपर किसी को ऐड करके उसको ट्रांसफर कर सकता है एक से दूसरी जगह, उसको कहते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। और इसके जैसे काम कौन करेगा? इसका जैसा काम जो है वो करेगा टीआरएनए। कौन करेगा बेटा? टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। और ये होता है लगभग 15%। तो 15% ऑफ टोटल आरएनए, टोटल आरएनए का 15% पोर्शन है वो टीआरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये बात क्लियर हुई? अब बात आती है कि ये जो टीआरएनए है ना बेटा, ये टीआरएनए हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है। सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कह दो या कह दो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, बात एक ही है। स्मॉलेस्ट आरएनए बोल दिया जाए या मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम कर दिया जाए, बात एक ही होती है। और स्मॉलेस्ट आरएनए होने की वजह से ही टीआरएनए को क्या कहते हैं अपन? इसी को सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाएगा।
तो यहां पर सुनिए, अब टीआरएनए जो है इसके टोटल तीन नाम हो गए। टीआरएनए के तीन नाम कौन कौन से? टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए कहा जाता है। टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर अमीनो एसिड को जोड़ करके दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है, इसलिए एडेप्टर आरएनए। इसी को हम टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने का काम भी करेगा। और इसी को सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिकुलर वेट इसका सबसे कम है, या कह दो ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। तो ये तीन फंक्शन तो ये हो गए, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था वो भी आरएनए को दिया गया भाई साहब, कौन सा? वो आ जाएगा एज ए एंजाइम, यानी कुछ आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी में 99% तक एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बनते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम आरएनए के भी होते हैं, और जो एंजाइम आरएनए के होते हैं उनको क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स कहते हैं कि नहीं कहते, बताइए। मतलब आरएनए एंजाइम की फॉर्म में भी काम कर सकता है, राइबोजाइम की फॉर्म में भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? तो बेटा जी इसमें आ जाएगा एक राइबोन्यूक्लिएज, कौन सा आएगा? राइबोन्यूक्लिएज पी, एक एंजाइम ये है जो क्या है? राइबोजाइम है। और देखो राइबोन्यूक्लिएज वर्ड आया बेटा, इसका मतलब क्या करेगा? क्लीवेज, तो क्लीवेज करने का काम करता है। क्लीवेज मतलब कट करने का, क्योंकि न्यूक्लिएज आ गया ना, और न्यूक्लिएज क्या करता है? कट ही तो करता है, तो राइबोन्यूक्लिएज पी है वो क्लीवेज करेगा। और तो एक आता है इसमें स्नोप्स। सर ये स्नोप्स क्या होते हैं? तो स्नोप्स जो होता है ये बेटा जी यहां पर स्प्लाइसिंग करेगा। स्नोप्स क्या करेगा? स्प्लाइसिंग का काम, स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रोन्स को हटाने का काम करेगा ये, ठीक है। और लास्ट इसमें एक एग्जांपल और दिया है, वो होता है पेप्टिडाइल, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ये आ जाएगा। और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो ये आपके राइबोजाइम्स हो गए। तो आप ये सोचिए कि एक अकेले आरएनए का मॉलिक्यूल जो है उसको कितने सारे फंक्शंस दे दिए गए हैं। समझ में आया आपको? एक बार इनको फटाफट देखिए आप सब लोग, फिर आगे बढ़े हम। जल्दी से इनको देखिए एक बार। क्लियर हुआ क्या बेटा कि आरएनए जो है वो पहला जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आज के टाइम पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम कर रहा है। तो हमने आरएनए जो है ये जब नाराज हुआ तो उसको दूसरे फंक्शंस दे दिए, और दूसरे फंक्शंस कौन कौन से? तो इसको स्ट्रक्चरल फंक्शन दिए, मैसेंजर की फॉर्म में काम करने को दे दिया गया, एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करने को दे दिया गया, एंजाइम की तरह काम करने को, बहुत सारे फंक्शंस आरएनए करने लग गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर दो वर्ड आएंगे, देखो दो वर्ड क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एनसीईआरटी की लाइन है जी, क्या वो? ये देखो वो आएगा डीएनए यूज्ड, डीएनए यूज्ड फॉर स्टोरेज, डीएनए यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी हमारी बॉडी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको अगर स्टोरेज करना हो तो कौन काम आता है? स्टोरेज करने का काम बेटा डीएनए करेगा हमेशा। सर क्यों डीएनए ही स्टोरेज क्यों करेगा? क्योंकि स्टोरेज डीएनए इसलिए करता है क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टोरेज जो है वो आपको लंबे टाइम तक करना है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, तो जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां स्टोरेज होगा, इसलिए डीएनए तो हमेशा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक। वहीं पर अगली लाइन जो है वो क्या दी गई है? अगली लाइन दी गई है कि आरएनए यूज्ड फॉर, आरएनए यूज्ड फॉर स्टोरेज, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ, सॉरी स्टोरेज क्या, यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन, यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन,
यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब सर ये ट्रांसमिशन कैसे करेगा, तो ट्रांसमिशन ऐसे करेगा लाला ये कि आपको बताएं एमआरएनए जो होता है वो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है मैसेंजर की फॉर्म में। एमआरएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को तो न्यूक्लियस से लेके कहां आया, राइबोसोम के पास आया, तो उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से राइबोसोम तक ट्रांसमिशन करने का काम, उसको वहां से यहां तक लाने का काम कौन करेगा, आरएनए। इसीलिए ये वर्ड ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कभी एग्जाम में, स्टोरेज पूछेगा तो डीएनए काम आएगा और ट्रांसमिशन पूछे ट्रांसमिशन आएगा तो हमेशा आरएनए करके आना है। ये आपका दूसरा टॉपिक आरएनए वर्ल्ड जो है वो भी हुआ समाप्त। तो दो टॉपिक हो गए अभी हमारे, सबसे पहला टॉपिक जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये दूसरा इसके बाद में वो हो गया आरएनए वर्ल्ड, आरएनए में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या फंक्शंस करेगा, डीएनए में क्या होगा, आरएनए का क्या होगा, वो दोनों टॉपिक। तो ये हमारे दो टॉपिक हुए बेटा इसमें समाप्त।